अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को चरणामृत देने और माथे पर चंदन का तिलक लगाने पर रोक के श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के फैसले पर लोगों की राय बटी हुई है। मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए दोनों को ही खास माना जाता है। टीका और चन्ना में तो भगवान का स्वरूप होता है जी, हर भक्तों को प्रसाद के रूप में मिलना एक भक्तों के लिए एक बहुत मान सम्मान की बात होती है, जो प्रभु द्वारा दिया गया आशीर्वाद होता है। ये सदैव हम भक्तों को देगा अगर ये मतलब भगवान का प्रसाद मतलब कुछ भी रूप में हम लोगों को अगर मिलेगा तो यहाँ पर श्रद्धालु अपनी भक्ति से और प्रेरित होंगे। सही निर्णय लिया है, वो बहुत सही लिया है, क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है और बहुत लोग अलग अलग तरीके से आते हैं, और निर्णय भी सही लिया है। जब लिया रामलला ने निर्णय लिया है तो सबको सही लिया होगा। मंदिर प्रशासन का ये कहना है कि ट्रस्ट की तरफ से ये फैसला श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए लिया गया है। उनके मुताबिक हर श्रद्धालु को चरणामृत देना और तिलक लगाना पुजारियों के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। ट्रस्ट ने जो लिया है वो आम दर्शनार्थियों के हित को देखते हुए लिया है, क्योंकि जो बीच में कुछ लोगों को चंदन टीका इका से विघ्न पैदा होता था और उनको दर्शन में भी दिक्कत होती थी, तो वो दूर हो जाएगी और आम यात्री जो दर्शनार्थी भक्त आया हुआ है उन सबके साथ जो है हम समान व्यवहार करें तो सबको दें, तो वो संभव है नहीं, उसमें समय बहुत लगता है, तो इसलिए ट्रस्ट ने कहा कि समान व्यवहार हो, इसलिए उसको रोक दिया गया। इस साल जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया था। हर दिन देशभर से लाखों श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।